प्रणाम, जय जिनेंद्र। राजा कुमारपाल की राजसभा में जिनवाणी की वीणा बज रही थी। चलते व्याख्यान के ठीक मध्य में हेमचंद्राचार्य के मुख से हाय, बड़ा अनर्थ हो जाएगा सुनकर कुमारपाल स्तब्ध रह गए। गुरुदेव, क्या हुआ? अभी अभी प्रभास पाटन में चंद्रप्रभ स्वामी के मंदिर में दीपक की जलती बाती चूहा लेकर भागा है और चंद्रवे का स्पर्श होने से आग लग गई है। सभा में शून्यता छा गई। अनिष्ट परिणाम की आशंका से कुमारपाल ने पूछा, भंते, तो फिर क्या इससे मंदिर को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा? नहीं होगा कुमारपाल, कहते हुए आचार्यवर जोर जोर से अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने लगे। गुरुदेव, क्या कर रहे हैं आप? बस मैंने सुलगते चंद्रवे की आग को बुझा दिया है। कुमारपाल ने तत्काल प्रभास पाटन की ओर दूतों का प्रयाण करवाया। दूसरे ही दिन दूत लौट आए। राजन, कल चंद्रवे में आग लगी थी और उससे भीषण आग लगने का भय पैदा हुआ था, परंतु उस समय देखते देखते किसी अज्ञात कारण से आग प्रशांत हो गई। राजा और प्रजा दोनों आचार्य श्री के चरणों में विनत हो गए। ऐसे अनेक चमत्कारों का सर्जन करने वाले कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य, जिन शासन की सुप्रसिद्ध विभूति है, खरतर बिरुदधारक जिनेश्वर सूरी की तरह ही उनका जीवन परम पावन था, ठीक पावन गंगा और उज्जवल मोती की तरह। परमात्मा महावीर के शासन की अपूर्व सेवा उन्होंने जिस तरह की, उस तरह की सेवा हर कोई नहीं कर पाता है। जिस समय चारों तरफ मिथ्यात्व का घोर अंधकार छाया हुआ था, उस समय उनकी प्रेरणा एवं तपोबल से अनेक सुर व नर परमात्मा के पथ पर चले। सिद्धराज जयसिंह और राजा कुमारपाल को समयोचित परमार्थ देकर शासन की उन्नति के द्वार उन्होंने खोले। उन्हें विपुल साहित्य सर्जक कहे या कवि शिरोमणि, भाषाविद कहे या प्रभु भक्त, वे प्रवचनकार थे तो क्रिया निपुण भी थे। उनका बाह्य रूप जितना आकर्षक, उतना ही उनका आभ्यंतर व्यक्तित्व प्रेरक, सरल, सहज, सुमधुर। जीवन के निर्माता श्री हेमचंद्राचार्य के जीवन को पढ़कर जीवन पावन हो जाता है, सुखा सावन ले जाता है। उन्हें पढ़कर हम साधकता व समता का खजाना पा सकते हैं। इसी तरह अनेक चमत्कारों के सर्जन व हेमचंद्राचार्य जी के जीवन को जानने के सुनहरे अवसर का आप सभी अपने मित्रों और परिवार के साथ लाभ लीजिए। शीघ्र ही अपना नामांकन दिखाई दे रहे नंबर पर भेजिए और अपनी ज्ञान वृद्धि के साथ पाइए आकर्षक प्राइज। उत्तर पत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अपने मित्रों व परिवार को इस ओपन बुक एग्जाम के बारे में जानकारी दीजिए और पुण्य प्राप्त कीजिए। जय जिनेंद्र।